हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉन्ग फूड एंड ब्लॉग्स। सो हाउ आर यू। तो मैंने आज आपको एक नया रेसिपी दिखा रही हूँ। ये है डक करी। तो ये मैंने बहुत लाइट बनाई हूँ ताकि आजकल बहुत हम लोग सब हेल्थ कॉन्शियस है, तो उसके लिए ज़्यादा ऑयल एंड स्पाइसेस खाना बहुत ही ख़राब होता है। तो ये कम तेल और कम स्पाइस में कैसे अच्छा बना जाता है, तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये टेस्ट उतना ही अच्छा होता है कि ये आप रोटी, राइस, ब्रेड या तो पराठा और फ्राइड राइस के साथ भी आप ले सकते हो। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और ये खाने में भी उतना ही अच्छा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डक करी मैंने कैसे बनाई। मैंने पहले कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डाल दी थी, ज़्यादा नहीं, 4 टेबलस्पून। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। उसमें मैंने अभी टमाटर और प्याज एक साथ दे दी और उसके साथ मैंने दिया था सादा जीरा और एक तेज़पत्ता। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। और अभी देखिए थोड़ा सा अगर हो गया है, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डक का जो फैट है या तो चर्बी हो वो मैं ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा हम लोग इसमें मिला देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल या तो जो फैट होता है तो वो इसके साथ मिल जाएगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा ऑयल कम यूज़ कर रही हूँ। आप इसके साथ थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो मैंने मैरिनेट किया हुआ जो बाकी डक था, जो पीसेस था, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। मैंने ये जो डक है इसको मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल, आधा कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा नमक, ये डाल के मैंने इसको 1 घंटा तक मैरिनेट कर ली थी। और इसको भी हम लोग थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। अभी देखिए 1/2 आवर हो गया है। तो इसके बाद इसका जो ऑयल है पूरा इसके छोड़ दिया और मसाला भी इसके साथ मिल गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग और कुक कर लेंगे। नमक मैंने पहले ही थोड़ा सा दे दी थी, तो आप अगर चाहते हो तो स्वाद अनुसार आप थोड़ा सा डाल के उसके बाद आप बाकी नमक यूज़ कर सकते हो। तो ये पक गया है। तो इसमें मैंने एक प्रेशर कुकर में 1 ग्लास पानी ले लिया और थोड़ा सा नमक दे के उसमें पूरा आधा पका हुआ जो डक है वो दे दिया। अभी इसमें मैंने 4 विसल लगाना है बंद करके। मैंने वो आलू अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि आलू अगर देंगे तो वो पूरा एकदम बॉयल हो जाएगा। 4 विसल के बाद मैंने आलू देके और भी 2 विसल दिया और अभी मैंने इसमें दे रही हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। और अभी हम लोग फिर से लीड लगा के इसको 10 मिनट तक रख देंगे। तो ये मेरा करी एकदम रेडी है। आप ऐसे मटन और चिकन भी पका सकते हो। तो देखिए, तो नेक्स्ट रेसिपी लेके मैं ज़रूर आ जाऊंगी जल्दी। तब तक गुड बाय, टेक केयर।